वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट टू का एडमिट कार्ड आज जारी होगा। आप लोग अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी आप देख पाएंगे। सबसे पहले आज है 5 जुलाई 2022 और विश्वविद्यालय आरा का पेपर आर्टिकल्स के माध्यम से आप लोग देखे थे कि 5 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इससे पहले एक डेट आया था कि 1 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन आज 5 तारीख को कब लिंक एक्टिव होगा, हो सके तो शाम को आप 3 से 7 बजे के बीच लिंक एक्टिव हो जाएगा तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे, सबसे पहले ये इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। आपको क्या करना है कि अपने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, सर्च करना है बिहार इन्फो डॉट इन, BIHAR INFO.IN। ये कोई विश्वविद्यालय आरा का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप एडमिट कार्ड के डायरेक्ट लिंक पर चले जाएंगे, आप वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। बिहार इन्फो डॉट इन सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप आ जाएंगे वेबसाइट पर। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आपको एडमिट कार्ड इसी वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट नाउ में भी अपडेट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप VKSU आरा का नीचे आएंगे तो VKSU आरा का यहाँ पे दिया गया है कि VKSU पार्ट 1 रिजल्ट, यहाँ पे VKSU पार्ट 3 एडमिट कार्ड, VKSU पार्ट 2 एडमिट कार्ड 19 से 22, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस ऐड को बंद कर देना है। ऐड को बंद करते हुए आपको आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद तमाम जानकारी को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। तो आपको क्या करना है कि फॉर्म नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार रखना है, और फॉर्म नंबर जो है और रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, जो भी फॉर्म नंबर होगा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पर आपको क्या करना है कि दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि कैप्चा दर्ज करना है, कैप्चा दर्ज कर देना है। अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा जैसे ही सर्च करेंगे आपका एडमिट कार्ड सामने आ जाएगा। उस समय भी एक वीडियो आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप। आप लोग इंतज़ार कर लीजिए शाम तक का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।